हेलो फ्रेंड, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल डीकेडी क्रिएशन पर। आज हम बात करने वाले हैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जो कि एक न्यूट्रल मूवमेंट भी बोल सकते हैं। जब हम देखें कि वर्ल्ड वॉर टू जब 1939 से लेकर 1945 पीरियड में चल रहा था और ख़त्म होने के बाद तुरंत ही बाद हमें एक एरा देखने को मिला था, हम बोलते हैं उसको कोल्ड एरा और कोल्ड वॉर पीरियड। तो जनरली उस टाइम क्या हुआ था, पूरा वर्ल्ड दो हिस्से में डिवाइड हो गया था। एक था यूएसए और एक था यूएसएसआर। एक प्रकार का हम बोले तो वो था एक आइडियोलॉजिकल वॉर। जनरली एक साइड था कैपिटलिस्ट तो एक साइड था सोशलिस्ट। कैपिटलिस्ट जनरली यूएसए के साथ था, जनरली यूएसए के लोग कैपिटलिस्ट फिलोसफी में बिलीव करते हैं। अगर दूसरे तरफ देखें जो भी सोशलिस्ट कंट्री हैं, जैसे कि चाइना, रशिया, ये सब क्या हैं, एक कम्युनिस्ट थिंकर हैं, वो सोशलिस्ट फिलोसफी में ज़्यादातर बिलीव करते हैं। तो दोनों के बीच में ये युद्ध छिड़ गया कि किसका आइडियोलॉजी सबसे पावरफुल है, शक्तिशाली है, ये सब। तब उस टाइम में और एक चीज़ हमें देखने को मिला था कि डीकोलोनाइजेशन। तो उस टाइम डीकोलोनाइजेशन पीरियड भी था, बहुत सारे छोटे छोटे देश, बड़े बड़े देश क्या हो रहे थे, इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। तो उनके पास एक मेजर चैलेंज था कि वो अपने कंट्री को किस वे में फॉर्मुलेट करें, कौन सा आइडियोलॉजी को बिलीव करें। तो ये दोनों पावर, दो जितने भी डिकोलोनाइज्ड कंट्री हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, सबको ये मैनिपुलेट करने लगे कि आप अगर हमारे आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट करते हो तो ये सब बेनिफिट्स आप पा सकते हो। उस टाइम क्या हुआ था कि एक नाम बोलकर एक ऑर्गेनाइजेशन का क्रिएशन हुआ था, जिसको हम बोलते हैं नॉन अलाइज मूवमेंट। यहाँ पर उसका मेन प्रिंसिपल क्या है कि नॉट टू अलाइड विद आइदर ऑफ द पावर ब्लॉक। वो आइदर यूएसए को ज्वाइन करना नहीं चाहते हैं कि यूएसएसआर को ज्वाइन नहीं करना चाहते। जनरली हम वो एक न्यूट्रल मेंटेन करना चाहते हैं। जनरली वो अपने ही थर्ड वर्ल्ड कंट्री जितने भी हैं उनके डेवलपमेंट के लिए बारे में सोचना चाहते हैं, उनका कैसे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो सकती है। जानते हैं हम जब ब्रिटिशर थे उनका जितना भी मनी को एक्सप्लॉइट कर दिए थे, उनके पास कुछ नहीं था, जिसके चलते हुए अगर वो इन्वॉल्व होते हैं पावर ब्लॉक में तो और ही उनका नुकसान हो जाता, जिसके चलते हुए वो न्यूट्रल मेंटेन किए थे। अगर हम नाम के मोटो के बारे में बोलें कि उसका आइडियोलॉजी जनरली इट इज़ बिलीव इन पीस, तो ये चाहता है कि सारे पृथ्वी में पीस कायम रहे, कोई भी किसी के खिलाफ युद्ध ना करे, हम पीसफुली एग्जिस्ट करें, ये सब उनका फिलोसफी था। अभी वर्तमान नाम में 125 मेंबर, साथ ही साथ 25 ऑब्जर्वर कंट्री हैं। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो कि एक नाम ही नहीं, जो कि एक इंस्पिरेशन की तरह उभरा, जितने भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री थे इसको एक्सेप्ट करने लगे, जिसका फर्स्ट कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, बेलग्रेड, जो कि योगोस्लाविया का कैपिटल है बेलग्रेड, उसमें हुआ था, जहां पर बहुत सारे कंट्री के पीपल आए थे, वहां पर पार्टिसिपेट किए थे, जहां पर मेन मोटो था जो कि यूएनओ का, वहाँ से ही वो ड्रॉ करते थे। वो चाहते थे कि वर्ल्ड लेवल में पीस कायम रहे, हम अपने रीजनल एस्पिरेशन को फुलफिल कैसे कर पाएं, ये सब चीज़ उनका मेन मोटो था। अभी हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को डिटेल में देखते हैं। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हुज डू नॉट वॉन्ट टू बी ऑफिशियली अलाइड विद अगेंस्ट और एनी मेजर पावर ब्लॉक। तो जनरली अगर नाम के बारे में बात करें तो ये एक नाम, एक ऐसा संस्था था, ऐसा एक व्यवस्था था जो कि किसी भी पावर ब्लॉक के साथ ज्वाइन नहीं होना चाहता था, वो इंडिपेंडेंट रहना चाहता था और जितना भी अभी न्यू बॉर्न थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं उनके डेवलपमेंट, उनके इंडिपेंडेंट के बारे में सोचता था, वैसे ही नाम का क्रिएट हुआ था, जो कि स्पेशली थर्ड वर्ल्ड कंट्री को लेकर ही बना था। अगर हम 2018 का रिपोर्ट देखें तो नाम में टोटल कितने मेंबर हैं, नाम में अभी 125 मेंबर हैं, साथ ही साथ 25 ऑब्जर्वर कंट्री हैं। तो बहुत सारे देश अभी कोशिश कर रहे हैं कि वो कैसे नाम में पार्टिसिपेट कर सकें, नाम का एक पार्ट कैसे बन सके। तो इसके लिए बहुत सारा क्राइटेरिया भी जारी किया गया है नाम के द्वारा, अगर वो क्राइटेरिया को कोई भी कंट्री फुलफिल करता है तो वो नाम के मेंबर के हिसाब से चुना जा सकता है। अब हम देखेंगे नाम कब क्रिएट हुआ था और उसमें इन्वॉल्व बहुत सारे व्यक्ति का नाम, जैसे कि इंडिया से स्पेशली नेहरू हैं, वैसे ही योगोस्लाविया से टीटो, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति, प्रोमिनेंट व्यक्ति जिनके कारण आज एक न्यूट्रल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो पाया था, जिसके वजह से बहुत सारे थर्ड वर्ल्ड कंट्री इंडिपेंडेंट हुए, जो कि एक बैकबोन के तरह काम किया नाम जब ये कोल्ड एरा चल रहा था, बहुत सारे थर्ड वर्ल्ड कंट्री को बहुत ही प्रोत्साहित कर रहा था कि आप इधर ना मिलकर इधर आकर पार्टिसिपेट कर सकते हो, जहाँ पर आम न्यूट्रलिटी, हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्री कैसे विकास हो सके उसके बारे में सोच सकते हैं, बोलकर वो बहुत सारा प्रोत्साहित करता था जितने भी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री को।
अब हम देखेंगे नाम के पर्पस के बारे में। जनरली उसके पर्पस के बारे में देखें तो हवाना डिक्लेरेशन में 1979 में उसका मेन मोटिव और पर्पस रखा गया था, जैसे कि वहां पर बोला गया था कि द नेशनल इंडिपेंडेंट सॉवरेनिटी, तो एक देश को अपना सॉवरेनिटी बजाय रखने का हक मिलना चाहिए, साथ ही साथ टेरिटोरियल इंटीग्रिटी देन सिक्योरिटी, ये सब चीज़ के बारे में बोला गया है। हम जानते हैं जितने भी कंट्री थे जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री थे, जनरली वो बहुत सारे फेजेस में रूल किए गए हैं, जैसे कह सकते हैं कि एक इंपीरियलिज्म पीरियड हो, चाहे कॉलोनियलिज्म पीरियड हो, न्यू कॉलोनियलिज्म पीरियड हो, तो हर पीरियड में हम देखने को मिला था कि कोई ना कोई डोमिनेंट आकर उनके ऊपर प्रेशर अप करता रहता है, सरप्राइज करता रहता है, सप्रेस्ड करता रहता है। ये सब चीज़ को देखते हुए नाम के मेंबर ने सोचे कि हम एक ऐसा एक संगठन का निर्माण करेंगे जहाँ पर खाली थर्ड वर्ल्ड कंट्री के बारे में सोचा जाएगा, ना कि वो किसी भी पावर ब्लॉक को पार्टिसिपेट करेंगे, ना कि यूएसए ना ही यूएसएसआर। अगर हम नाम के मेंबर कंट्री के बारे में बोलें तो 2/3 ऑफ द यूनाइटेड नेशन मेंबर, तो जितने भी मेंबर यूएनओ में हैं उसे 2-3/3 भाग कहां पर देखने को मिलता है, नाम में। तो अगर उसको ओवरऑल पॉपुलेशन में कंक्लूड करें तो 55% ऑफ पॉपुलेशन नाम के सहयोगी हैं। ज़्यादातर जितने भी देश होते हैं वो नाम को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि एक न्यूट्रल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर लेते हैं। बहुत सारे अफ्रीका के कंट्री इसमें शामिल है, साथ ही साथ एशिया के, जो चाहते हैं कि नाम के द्वारा हमारा जो नेशनल मोटिव, जो हमारा नेशनल इंटरेस्ट फुलफिल हो सकता है। अगर हम नाम के ओरिजिन के बारे में बात करें तो ये फर्स्ट टाइम जो नॉन अलाइनमेंट वर्ड कब टर्म हुआ था, 1953 को, जब यूएनओ में नेहरू ने वहाँ फर्स्ट टाइम अपना व्यू रखा था। उसके बाद सेकंड टाइम नेहरू ने उसको फ्रेज में कहाँ पर यूज किया था, 1954 स्पीच कोलंबो में, वहाँ पर यूज किया गया था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बोलकर। अगर हम 1954 के स्पीच को देखें तो वहाँ पर दोनों ही सुप्रीम लीडर जो कि इंडिया से थे नेहरू और चाइना से थे जाओ एनलाई, दोनों ने मिलकर अपना व्यू रखा था वर्ल्ड लेवल में, वर्ल्ड बेसिस में, कि एक रिलेशनशिप कैसा बनाना चाहिए और क्या क्या मूल मंत्र होना चाहिए। जैसे कि आजकल हम जानते हैं कि पंचशील जो कि इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप में एक मूल रूप से स्थिर बनाकर रखता है, जो कि है पंचशील, जिसका आज बहुत ही इंपॉर्टेंस है, जो कि लेटेस्ट स्टेज में जाकर नाम का एक प्रिंसिपल भी बनता है कि इस 5 प्रिंसिपल बेसिस में हमारा एक रिलेशनशिप होना चाहिए, ताकि हमारे जितने भी नाइबरिंग कंट्री हैं, जितने भी नाम कंट्री हैं, उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन बन सके। वो 5 प्रिंसिपल क्या क्या है अभी हम देखते हैं। पहला प्रिंसिपल जो बोलता है म्यूचुअल रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर टेरिटोरी इंटीग्रिटी एंड सबॉर्डिनिटी। सेकंड बोल रहा है कि सेकंड प्रिंसिपल जो कि है म्यूचुअल नॉन एग्रेशन। थर्ड प्रिंसिपल है म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन डोमेस्टिक अफेयर। देन फोर्थ प्रिंसिपल बोल रहा है कि इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट। एंड फिफ्थ फीचर है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। ये है 5 मूल मंत्र जो कि इंडिया और चाइना के बीच में स्थिर हुआ था, जिसके बेसिस में उनका फॉरेन रिलेशनशिप अभी तक भी जारी है। अभी हम देखेंगे कि कोई भी कंट्री अगर नाम का हिस्सेदार बनना चाहता है तो उसको क्या क्या प्रिंसिपल अडॉप्ट करना पड़ेगा, जो कि बोडांग कॉन्फ्रेंस में डिसाइड हुआ था, बोडांग प्रिंसिपल से बोरोड किया गया था। कब हुआ था ये बोडांग कॉन्फ्रेंस, 1955 से वहाँ पर से ये चीज़ सब लाया गया है, क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए एक कंट्री को अगर वो नाम में पार्टिसिपेट करना चाहता है। तो पहला में बोला गया है रेस्पेक्ट फॉर फंडामेंटल ह्यूमन राइट एंड फॉर द पर्पज एंड प्रिंसिपल ऑफ द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तो जनरली अगर इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर ह्यूमन राइट को, मानव अधिकार को ज़्यादातर गुरुत्व दिया गया है, प्रायोरिटी दिया गया है, उनको कोई भी डोमिनेट नाश कर सके, वो फ्रीली इंडिपेंडेंट हैं, वो अपना जो भी चीज़ करना चाहते हैं फ्रीली कर सकते हैं, ये सब चीज़ के बारे में वहाँ पर ज़्यादातर जिक्र किया गया है। तो अगर उसका फर्स्ट प्रिंसिपल देखें, अगर वैसे ही सेकंड प्रिंसिपल देखें तो रेस्पेक्ट फॉर द सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ ऑल नेशन के बारे में बोला गया है। उसका थर्ड प्रिंसिपल है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द मूवमेंट फॉर नेशनल इंडिपेंडेंस। उसका ऐसा ही अगर फोर्थ फीचर है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द इक्वालिटी ऑफ ऑल रेसेस एंड द इक्वालिटी ऑफ ऑल नेशन लार्ज एंड स्मॉल स्केल्स। तो यहाँ पर ज़्यादातर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को अपोज किया गया है कि कोई भी कंट्री किसी को ऑन द बेसिस ऑफ कलर किसी को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर और एक चीज़ के बारे में बोला गया है कि एब्सटेंशन फ्रॉम द इंटरवेंशन ऑफ इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर एंड अनदर कंट्री। तो जनरली यहाँ पर बोला गया है कि कोई भी कंट्री किसी के इंटरनल अफेयर में दाखिल ना हो सके। साथ ही साथ बोला गया है रेस्पेक्ट फॉर द राइट्स ऑफ ईच नेशन टू डिफेंड इटसेल्फ सिंगल कलेक्टिवली एंड कॉम्प्लीमेंटली विद द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तो अगर बोले तो यहाँ पर जनरली यूनाइटेड नेशन के जितना भी प्रिंसिपल हैं, फंडामेंटल रूल्स है, उसको ही यहाँ पर दर्शाया गया है। देन देखते हैं रिफ्रेनिंग फ्रॉम एक्ट ऑफ थ्रेट्स ऑफ एग्रेशन, द यूज ऑफ फोर्स अगेंस्ट द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ऑफ एनी कंट्री। तो जनरली यहाँ पर उसके सॉवरेनिटी के बारे में बोला गया है, उसके इंटीग्रिटी के बारे में बोला गया है,
उसके खिलाफ जाकर कोई भी देश उसको अगेंस्ट में कुछ भी नहीं कर सकता है। साथ ही साथ बोल सकते हैं कि प्रमोशन ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट एंड कोऑपरेशन, तो आपस में एक ताल्लुका अच्छे से बना रहे उसके बारे में बोला गया है। साथ ही साथ बोला गया है रिस्पेक्ट फॉर जस्टिस एंड इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन। तो जनरली यहाँ पर अगर ऑल टोटल देखें जो भी प्रिंसिपल हैं इस यूएनएसए से पूरा सिमिलर दिखता है, जो भी यूएनओ ने एक्सेप्ट किया है अपना फंडामेंटल प्रिंसिपल में और चार्टर में, वही सब चीज़ हम नाम में भी देखने को मिल रहा है। तो ऑल टोटल उनके मोटिव के बारे में बात करें तो वो वर्ल्ड लेवल में चाहते हैं कि पीस कायम करना चाहते हैं, ताकि कोई भी देश के भीतर युद्ध ना छिड़ जाए, ताकि कहाँ पर भी ह्यूमन लाइफ को लॉस ना हो कि प्रॉपर्टी को लॉस ना हो, हम पीसफुली वे में हमारे कंट्री को अग्रसर की तरफ ले जाएंगे। ये है अगर टोटल बोलें तो ये है नाम का प्रिंसिपल। अगर कोई कंट्री नाम में पार्टिसिपेट होना चाहता है तो ये सब प्रिंसिपल को उसको मानना ही पड़ेगा, ताकि साथ ही साथ उसको यूएनओ के जितने भी प्रिंसिपल है उसको भी एक्सेप्ट करना चाहता है। तो अगर हम बोले नाम को एक सपोर्टर का रहते देखें तो वो यूएनओ का एक बड़ा सपोर्टर की तरह भी उभरता है।